गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाठ 10 एक दिन का के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये कविता है आपकी, एक दिन का। कविता है ये एक दिन का। हमने इस कविता के अंतर्गत पढ़ा था कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वो अपनी ऐठ के कारण अपने जीवन के अंदर से जो विनम्रता है उसको छोड़ देता है और स्वयं अहम घमंड में चूर होकर अपने जीवन को धीरे धीरे खराब और समाप्त करता चला जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा ये जो कविता लिखी गई है, आइए इसमें प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इसमें, एक दिन का कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो लिखिए इसका उत्तर। एक दिन का कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को एक दिन का कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी मनुष्य को अपने अहम को छोड़कर विनम्रता का भाव अपनाना चाहिए, क्योंकि विनम्रता के कारण ही एक दिन का कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने अहम को छोड़कर विनम्रता का भाव अपनाना चाहिए, क्योंकि विनम्रता के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। उत्तर दो। ऐठ बिचारी दबे पाँव भागी से कवि का क्या तात्पर्य है। ऐठ बिचारी दबे पाँव भागी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए केवल
जरा सी मुसीबत, जरा सी मुसीबत ही बहुत होती है। वह इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जरा सी मुसीबत आती है वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, उसकी ऐठ नहीं बचती है फिर उसके अंतर्गत, इधर उधर भागना शुरू कर देता है उसके अंतर्मन में। अंतर्मन में, अंतर अन अंतर्मन, यहाँ पे नहीं आएगा रिफ। उसके अंतर्मन में जो अहम बसा हुआ होता है, वह छू मंतर या फिर कहेंगे निकल जाता है या छू मंतर हो जाता है। उत्तर 3। तिनका गिरने पर आसपास के लोगों ने क्या सहायता की? तिनका या फिर एक छोटा सा तिनका कुछ बोलो। एक तिनका गिर जाने पर सभी व्यक्ति मूठ देने लगे, सभी व्यक्ति क्या करने लगे थे, सभी व्यक्ति मूठ देने लगे। और तिनका किसी प्रकार से निकल गया। तिनका गिरने पर कवि को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? तिनका गिरने पर कवि को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? तिनका गिरने पर उसकी समझ ने कहा, तिनका गिरने पर उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? तो लिखिए तिनका गिरने पर उसकी समझ ने, उसकी मतलब उस व्यक्ति की, तिनका गिरने पर उसकी समझ ने कहा कि किस लिए वह ऐंठता रहा था, किस लिए वह अटता रहा था? उसके लिए था मेरे, वो स्वयं के लिए सोच रहा है, उसके लिए के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे, ठीक है। उसके लिए तो इनके मेरे लिए तो केवल, उसके लिए तो अर्थात यानी के मेरे लिए तो, ठीक है, मेरे लिए तो केवल एक तिनका ही बहुत था। एक तिनका ही बहुत था। मनुष्य को किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए। तो आगे बोल रहे हैं, भाव स्पष्ट करना है।
मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है आप। कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने घमंड के कारण जिस ऐठ में खड़ा रहता है वह केवल क्षण मात्र है, क्योंकि ऐठ में खड़ा रहता है वह केवल क्षण मात्र है, क्योंकि यह ज्यादा समय तक एक नहीं सकती। मनुष्य का अहम टूट ही जाता है। बेटा समय के साथ ये जरूर टूटता है, इसलिए कहते हैं मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रह सकता। आपको अपने पांच जो भी आपको ये दिखाए गए हैं पाठ 10 दिन का के प्रश्नोत्तर, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ काम करना है। साफ साफ काम करोगे आप देखोगे। पहला प्रश्नोत्तर आपका है, पहला जो प्रश्न था, 1 दिन का कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ ऐड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो समझा आपको क्या लगा आप वो इसमें ऐड डाउन कर सकते हैं। दूसरा आता है ऐठ बिचारी दबे पांव भागी। इस प्रकार से इस कविता के अंदर कवि ने क्या कहा है, तो ऐठ किस प्रकार से भागी। ठीक है, क्या किया उस कवि, क्या कहना चाह रहा है इस पंक्ति में, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तिनका गिरने पर आसपास के लोगों ने क्या सहायता दी, तो इसका तो वही उत्तर होगा कि सभी लोग जो थे उसको मूठ देने लगे थे। तिनका गिरने पर कवि को उसकी समझने की चेतावनी दी, तो चेतावनी क्या दी थी ये आप भी अपने अनुसार थोड़ा सा इसके अंदर ऐड डाउन कर सकते हैं। तिनका गिरने पर उसकी समझ ने कहा कि किस लिए अठरा था तू, तेरे लिए तो केवल एक तिनका ही बहुत था। मनुष्य का घमंड, किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए। भाव स्पष्ट का उत्तर है ये, पहला जो आपका भाव स्पष्ट था उसका उत्तर है ये। तो सही बच्चे भाव स्पष्ट का उत्तर ध्यान से करेंगे। जैसे पंक्ति है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, तो किस लिए था वो कि भाई अपने घमंड में भरा होकर वो ऐठ कर ऐसे खड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन का जब वो उड़ कर आया तो एक दिन के नहीं उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बेचैन बेचैन कर दिया था। उस जो वो जिस प्रकार से वो बेचैन हुआ, चैन बेचैन, यानी कि उसको चैन नहीं आया किसी प्रकार से, जब वो बेचैन हो गया पूरी तरह से, तो उसके पश्चात वह भागा लोगों के पास इधर उधर, और उसका जो घमंड था, जो अहम था, वो टूट गया। तो यानी कि मनुष्य का जो अहम है वो एक ना एक दिन जरूर टूट जाता है, वो ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। चलिए, ये तो था हमारे आज का 1 दिन का कविता के प्रश्नोत्तर। और आप सभी बच्चे प्लीज इन सभी चीजों को अपने जिंदगी में उतारिए, कि आपको ये सारी जो आप देख रहे हो अपने जीवन में कविताओं के माध्यम से, उनको अपने जीवन में उतारिए, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो कवि यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। और ये सारे हम लोग कर चुके थे, ये सारा हमने कर ही लिया था। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो भी है, तो ये आपको अपना करके रखना है।